नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देश में हो रहा लोकसभा चुनाव अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और चुनाव समाप्त होने के बाद देश एक बार फिर महंगाई की ओर चल पड़ा है। जी हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं उन वाहनों के लिए टोल दर में वृद्धि की जाती है और यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने की पहली तारीख से की जाती है, लेकिन इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के कारण उन दरों में वापसी की गई, जिसके बाद अब पूर्ण रूप से लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद वो दर फिर से लागू कर दिए गए हैं। तो आज से राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर चलने वाले जो भी वाहन हैं उनके लिए दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि यह बढ़ोतरी साल में एक बार ज़रूर अपनाई जाती है, जब अप्रैल महीने में यह बढ़ोतरी कर दी जाती है। हमारे साथ है दीदारगंज टोलवे के टोल मैनेजर प्रभाकर सिंह हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किन किन वाहनों में क्या क्या बढ़ोतरी की गई है। ये बताइए कि आज जैसे टोल दरों में बढ़ोतरी की गई है, किन किन गाड़ियों पर ये रेट तो एक अप्रैल से ही बढ़ना था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव कल खत्म हुआ है, तो आज रात 3 तारीख के 00 आवर से टोल रेट में मामूली वृद्धि है। पहले 130 लगा करता था कार जी वाहन को, अब वो 135 हो गया। जो हल्के कमर्शियल वाहन थे जिनको 200 रुपये लगता था, अब वो 205 रुपये दे के जाएंगे। जो 6 चक्का ट्रक हैं उनको पहले 400 रुपये देना होता था, अब वो 410 रुपये दे के जाएंगे। और जो MAV मल्टी एक्सल व्हीकल हैं 10 चक्का 12 चक्का 14 चक्का, उनको पहले 605 रुपये लगता था, अब वो 620 रुपये दे के जाएंगे। ये दरें रात के आज रात रात्रि 00 आवर से 3 तारीख से स्टार्ट होंगे। ऐसा देखा है कि जो भी लोकल पासेस धारी है उनके उनको इस उनके देखते हुए किस तरह की इसमें वृद्धि की गई है। पहले उनको 330 रुपये लगा करता था, अब वो 340 रुपये दे के जाएंगे। मात्र 10 रुपये की बढ़ोतरी है, ज़्यादा कोई वृद्धि नहीं है, मामूली 2 से 2.5% टोटल ओवरऑल वृद्धि देखी गई। तो आज रात से पूरी तरह से जी हाँ, आज रात 00 आवर से ये पूरी तरह से लागू हो गया। तो चलिए ये थे दीदारगंज टोलवे के टोल मैनेजर प्रभाकर सिंह, जो हमें बता रहे थे कि आचार संहिता लागू होने के कारण पहले से बढ़ी हुई दरें लागू नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही चुनाव खत्म हो चुका है वैसे ही ये दर जो है आज रात से लागू कर दी जाएगी। तो हमने बताया कि किस तरह से देश के राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर चलने वाले जो भी वाहन हैं उनके लिए आज रात से ही यह दर बढ़ा दी गई है। रजनीश यादव, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।